Bala sir. A warm welcome to you, sir. On great achievement, I... और जहां व्यापार की वृद्धि होती है वहां न तो सिर्फ अपने देश के लिए मगर सारे वर्ल्ड में आना जाना काफी प्रमाण में रहता है और मैंगलोर हमारे कर्नाटक राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अच्छे से अच्छी तरह सब सुविधा प्राप्त हो इसी के लिए यहाँ आज ये एयरपोर्ट का वृद्धिकरण करने के लिए एक्सपांशन करने के लिए यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है। कई बार लोग कहेंगे कि ये कार्यक्रम कोई कॉमन मैन के लिए नहीं है, गरीब वर्ग के लिए नहीं है, मगर मैं कहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है, जो एयरपोर्ट की वृद्धि होती है, उसका अर्थ ये है कि यहाँ की सुविधा के लिए डिमांड बढ़ी है और डिमांड तब बढ़ती, जो व्यापार बढ़ेगा तो उससे सबसे बड़ा मुनाफा मजदूर वर्ग को और मध्यम वर्ग को होगा। जिस राष्ट्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जिस राष्ट्र में साइंस का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस का डेवलपमेंट होगा, वही राज्य और वही राष्ट्र का विकास होगा। और जिस राज्य में व्यापार की वृद्धि होगी वो राज्य का भी सभी तरह के से उसकी वृद्धि होंगे। आप जानते हैं समस्त कर्नाटक राज्य में सबसे वैल्यूएबल स्टेट, जो कोई वैल्यूएबल कोई शहर है वो बेंगलोर है। बेंगलोर अभी इंडस्ट्रीज में और बढ़ रहा है। जो बेंगलोर बढ़ रहा है उसका कारण यह है कि वहां से बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और यहाँ मैंगलोर वाले अपनी ताकत पर व्यापार बढ़ा रहा है। इसीलिए मैंगलोर वासी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, व्यापार में बढ़ना वो एक प्रकार की क्रेडिटिबिलिटी है और ये क्रेडिटिबिलिटी वाले लोगों को सभी प्रकार की सुविधा मिले। इसी तरह से हमारे राज्य के अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय पर व्यापार बढ़ा सके, इसी वजह से जो आज 4 टर्मिनल वाला 6 टर्मिनल वाला आज एयरपोर्ट हो रहा है और मैं कहूँगा टूक समय में ये 6 वाला वो 9 और 10 टर्मिनल वाला भी हो जाएगा तो उसमें कोई किसी को अचरज करने की जरूरत नहीं है। ये मैंगलोर वाले लोगों की कैपेसिटी है। हम देखते हैं नजदीक का स्टेट है केरला। केरला और मैंगलोरु नजदीक नजदीक है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सुविधा यहाँ मैंगलोर में सब प्रकार की है और हमारी केंद्र सरकार ने भी यही मैंगलोर शहर को एक्सपांड करने के लिए जो प्रयत्न किया है और प्रयत्न के साथ साथ वो कार्यान्वित कर रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंगलोर शहर सफाई में भी सबसे पहले नंबर का शहर है, सफाई में पहले नंबर का शहर है और उसी के साथ उसकी जो एयरपोर्ट की गुणवत्ता है, उसका रैंकिंग है, उसमें भी सारे हिंदुस्तान में मैंगलोर एयरपोर्ट
नंबर वन एयरपोर्ट है और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर वन प्राप्त करना इजी है मगर उसको मेंटेन करना काफी मुसीबत हो सकता है।